जिस ऑपरेटर की अब हम बात करेंगे वो है डिसजंक्शन। सिंपल में वर्ड्स में हम इसे कहेंगे और। मतलब ये है कि एक प्रपोजिशन है हमारे पास पी और दूसरी प्रपोजिशन है हमारे पास क्यू। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ट्रुथ टेबल से देखते हैं, मीन इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू, डेफिनेटली पी और क्यू दैट विल बी ट्रू। नेक्स्ट, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, सो वन ऑफ दैट इज ट्रू, सो माई लास्ट प्रपोजिशन विल बी ट्रू। नाउ इफ पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, सो पी और क्यू दैट विल बी ट्रू। एंड इन आवर लास्ट केस इफ पी इज फॉल्स एंड क्यू इज फॉल्स, सो पी और क्यू दैट विल बी फॉल्स। इसकी हम अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक से ज्यादा राइट एंगल्स नहीं हो सकते। सो इफ आई से अ ट्राइंगल हैविंग टू राइट एंगल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड लाहौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ सिंध, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों प्रपोजिशंस या इन दोनों स्टेटमेंट्स का अगर मैं डिसजंक्शन लूं, सो माय आंसर विल बी ट्रू, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट वॉज ट्रू, एंड वाइस वर्सा। एक स्टेटमेंट हम ट्रू करेंगे और दूसरी स्टेटमेंट हम फॉल्स करेंगे, और इसी तरह ये तब तक हमारा डिस्जंक्शन फॉल्स नहीं होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएं। जैसा कि ट्राइंगल हैव टू राइट ट्राइंगल्स एंड लाहौर इज द कैपिटल ऑफ द सिंध, सो इट्स डिस्जंक्शन विल बी नाउ फॉल्स।